दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। किसानों ने युवा नेता हितेश भाई ओझा के नेतृत्व में विद्युत समस्याओं को लेकर दिया सहायक अभियंता आहोर जोधपुर डिस्कॉम और उपखंड अधिकारी आहोर के नाम ज्ञापन। आहोर में अघोषित बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी। आहोर उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति का ढांचा डगमगाया हुआ है, जिसकी वजह से बिजली उपभोक्ता को राहत की बजाय दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गत दिनों के चक्रवाती तूफान व अतिवृष्टि के चलते उपखंड मुख्यालय पर लगातार 3 दिन ब्लैकआउट रहा। वहीं क्षेत्र के गांव में तो कई दिनों तक बिजली गुल रही है, लेकिन वर्तमान में भी लगातार बिजली कटौती का सिलसिला जारी है। फिलहाल हवाएं व बारिश नहीं होने के बावजूद भी डिस्कॉम की ओर से बिजली कटौती की जा रही है। इन दिनों गर्मी व उमस में विद्युत कटौती आग में घी का काम कर रही है। वहीं बिजली आधारित कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सोमवार को सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही और शाम को 6 बजे से रात को 11:30 बजे तक 8 बार कटौती की गई। आहोर के किसानों ने पूर्व सोदरला सनवाड़ा फिल्टर में हो रही बिजली के गंभीर समस्याओं को लेकर युवा नेता हितेश भाई ओझा के नेतृत्व में ज्ञापन देकर अवगत कराया। हितेश ओझा ने बताया कि भूमिपुत्र किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं। आहोर भेसवाड़ा एवं सनवाड़ा के उपभोक्ता किसानों के काफी वर्षों से बिजली की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बिजली न होने से पशुओं और मवेशियों के पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। किसान अपने खेतों में बिजली न होने से दुखी है। न काश्तकारी हो रही है और न ही पशु और मवेशियों के लिए पीने का भी पानी है, तथा आहोर कस्बे के नजदीकी किसानों के घर कनेक्शन को सिटी लाइन से जोड़ा जाए। किसानों की गंभीर समस्याओं को तत्काल रूप से समाधान होना चाहिए। ओझा के साथ किसान गजेंद्र चौधरी, राजाराम चौधरी, मांगीलाल राजपुरोहित, ताताराम चौधरी, नरपत सिंह, भोमाराम चौधरी, भगाराम चौधरी, टीकमाराम भील, सावलाराम चौधरी, हंसाराम चौधरी, लालाराम चौधरी, चौथा राम चौधरी, विरमा राम चौधरी, मोहन चौधरी, मुलायम जेठाराम चौधरी, मोहन सिंह, गलवा राम चौधरी, कांतीलाल चौधरी, ईश्वर चौधरी, मोतीराम, संदीप सिंह, श्याम सोलंकी, शैतान सिंह आदि किसान मौजूद थे। आहोर से गुरुज्योति पत्रिका डिजिटल मीडिया से संवाददाता अमृत सिंह रावणा राजपूत की रिपोर्ट।